हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मनो सलवा और आज हम बनाने जा रहे हैं प्लेन केक। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी रेसिपी है। हमें ओवन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर की और कुकर की भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हमें प्लेन केक बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है उसमें 4 एग, मैदा यानी प्लेन फ्लोर और पीसी हुई चीनी, शुगर हमने पीस लिया है। बेकिंग पाउडर है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून। ऑयल हमने लिए 100 ml। कोई भी चीज़ बेक करते हुए हमें इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट है उनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बेकिंग ख़राब ना हो। वनीला सेंस हम यूज़ करेंगे 2 ड्रॉप्स। अब हम एक बाउल में शुगर डालेंगे, 1 कप शुगर है, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। मैंने हैंड बीटर यूज़ किया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही आसान है, बस आपने इसको एक ही मूवमेंट में आपने इसको हिलाते जाना है। अब मैं इसमें 1 by 1 एग डालूंगी। 4 हमने एग लिए हैं। प्लेन केक है, आप टी टाइम में इसको आप जल्दी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपको कुछ भी सोचने की यानी ओवन की या आपको इलेक्ट्रिक बीटर, आप बस जल्दी से आप ये केक इजीली बना सकते हैं। अब इसको हम ऐसे मिक्स करते जाएंगे। आपने एक ही मूव रखना है और 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाते जाना है। आपने इसी तरह, ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता पहले येलो डार्क था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लाइट येलो होता जा रहा है। आपने इसको ऐसे ही स्मूथली हिलाते जाना है और ये थोड़ा थोड़ा इसमें थिकनेस आती जाएगी। जैसे जैसे आप हिलाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा ये थोड़ा ठीक होता जा रहा है। जी, इसको मैंने 5 मिनट तक अच्छे तरीके से एक ही सीक्वेंस में हिलाया था। इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल रहे हैं। अब हम इसको वनीला एसेंस को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें हमारा मिक्सचर रेडी है और बेकिंग के लिए तैयार है। अब आप कोई भी सांचा ले सकते हैं केक बेक करने के लिए। मैंने थोड़ा सा फ्लावर शेप में लिया है क्योंकि थोड़ा सा प्लेन केक है तो उसका लुक थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए। अब इसमें हम ऑयल लगा देंगे अच्छे तरीके से। 1 टेबल स्पून ऑयल, या आपका सांचा छोटा है बड़ा है उस हिसाब से। थोड़ा सा इसमें मैंने मैदा ले लिया है, इसको हम अच्छे तरीके से इसमें फैला देंगे। ये देखें ऐसे। अब इसमें हम अपना मिक्सचर डाल देंगे। मेरा मिक्सचर जो था बना हुआ वो थोड़ा था, आप देख सकते हैं पैन के हिसाब से। पैन मेरा जो है सांचा जो है वो केक बेक करने वाला वो बड़ा है। अब मैंने एक बड़ा तस्ला ले लिया था, या आप कह लें देचकी, उसमें मैंने नमक डाला था काफ़ी सारा। नीचे मैंने एक 1 लेयर में नमक डाल दिया है, उसके ऊपर मैंने स्टैंड रखा है। अब इसमें हम अपना मिक्सचर ऊपर रख देंगे। ये बहुत इजी तरीका है कोई भी चीज़ बेक करने का। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा बेक होता है। अब हम इसमें इसको ढक देंगे। आफ्टर 40 मिनट्स
हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको आप 35 मिनट्स भी रख सकते हैं। मैंने 40 मिनट्स रखा था, इसलिए मैंने 40 मिनट्स ही बताया है। और मेरा केक थोड़ा सा जो है वो डार्क है हो गया है, लेकिन हमारा केक फुल कुक्ड है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इसमें थोड़ी सी कैरेमल सॉस डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये गुड लुक करने के लिए, इसमें मैं थोड़ा सा कैरेमल टेस्ट ऐड कर रही हूँ। हमारा प्लेन केक बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको टी टाइम में या कोई भी आपके गेस्ट आए आप इसको बनाएं। बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी डिफरेंट केक की रेसिपी शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।